शनिवार को राजधानी भोपाल के जनजाति संग्रहालय में आदिवासी समुदाय के बीच वनाधिकार दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में तो अन्य जनप्रतिनिधियों ने 47 जिलों में 22,000 से अधिक वनाधिकार पत्रों का वितरण किया। देखिए खास रिपोर्ट। समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास संभव है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने ये बात महू में आयोजित वन अधिकार उत्सव के दौरान कही। उन्होंने टंटिया मामा के कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही। ये हमारे समाज का एक गौरव, जिस व्यक्ति ने वो शक्ति थी जिनको हम सब नमन करते हैं। जी, कविता जी आपको याद होगा, आज के दिन मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ। आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आदिवासी की एक संस्कृति मूल भावना निरंतर जारी रहे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भाग आपके पास है। आज हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश, हमारा समाज चुप रखा है, कहीं ना कहीं समाज के इस तबके का, समाज के इस वर्ग का बड़ी भूमिका थी। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। उषा जी आप वहां से नेतृत्व करती हैं जिस दिन पूरे राष्ट्र को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया है, जिनको जीवन में आदर्श मानकर कि हमारे समाज का समग्र विकास तभी संभव है जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका विकास हो, और मुझे पूरा भरोसा है। एक बहन हो तो ठीक भी है, मैं सत्य भी तो बोल रहा हूं, जितनी चिंता सावेर की मुझे नहीं है, ऐसा लगता है कि मऊ को चटा है। ये ऋण, ये विश्वास, ये प्रेम, ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे इस शक्ति देना, जिस विश्वास के साथ, जिस स्नेह के साथ, जिस संकल्प के साथ आयोजन में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को वन भूमि सहेजने और पट्टे पर मिली वन भूमि पर अतिक्रमण ना करने की नसीहत दी। इस दौरान उन्होंने भी टंटिया मामा की राष्ट्र भक्ति अपने जीवन में उतारने का संदेश दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बरसों से पहले जो वादा चला आ रहा था उसको आज पूरा करके दिखाया। बहन कविता ने, भैया तुलसी जी ने आपसे बहुत विस्तार से बात कर ली है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो आप जिनके वंशज कहलाते हैं, ऐसे टंटिया मामा के सद्गुणों को आज इस पावन अवसर पर हम सब शपथ लेकर ये संकल्प करेंगे कि हम टंटिया मामा के सद्गुण, उनकी बहादुरी, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी न्यायप्रियता अपने जीवन में हम उतारने का संकल्प लेंगे। 4 अप्रैल उनका जन्मदिवस है, और ये एक संयोग ही था कि कल मैं उनके परिवार जहां रहता है कोठरा वहां होकर के आई। मां भारती का जो हिस्सा आपके खाते में आया है उसकी प्रतिज्ञा है, उसका प्रण है कि धरती के रक्षक बन जाना। जितना जमीन पट्टे में मिली है उसे 1 इंच ज्यादा भी अतिक्रमण करने की कोशिश मत करें।
यहाँ डीएफओ मैडम बैठी है, जितना पट्टा जिसको मिला है, क्या हम प्रशासन के साथ कोई ऐसी कार्य योजना बना दें कि उस पूरे पट्टा भूमि का सीमांकन करते हुए वहाँ पर बांस के पेड़ लगा दे, कोई फलदार पेड़ों की एक पंक्ति खड़ी कर दे, ताकि पशु पक्षियों को भी फल मिल सके, हमारे बच्चों को भी पोषक आहार मिल सके और हमारी सीमाएं भी सुरक्षित हो। जमीन बचाना भी आपकी हमारी जिम्मेदारी। एक प्रार्थना बहन कविता ने करी, मैं भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ। आज वन भूमि का 50% हिस्सा पट्टों के रूप में बट चुका। यदि हम सबको हमारे आने वाली पीढ़ी को जीवित रहना है तो शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। आपको जितने पट्टे मिल रहे, आपसे प्रार्थना करते हैं कि उसमें जैविक खेती करना। यदि आप भी फर्टिलाइजर्स रासायनिक खादों की तरफ बढ़े तो जंगल की वो पावन जमीन का जल भी दूषित हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी के लिए पीने लायक पानी हमारे पास बच नहीं। वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को वन भूमि का उपयोग करने का अधिकार देने के लिए आयोजित वन अधिकार उत्सव में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और जिला पंचायत अध्यक्ष कविता पाटीदार ने वनवासियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।